मद-ए-हाज़िर में बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाए जा रहे हैं। इस हवाले से मैं फिर एक बार इदारे को मुबारकबाद पेश करूंगा। और हज़रत अबू तालिब के लिए कोई बड़ा जश्न लखनऊ में इस बड़े शहर में इस पैमाने पे मेरे ख्याल से नहीं होता था, इसलिए भी इस जश्न को मज़ीद और मेहनत के साथ और बड़ा होना चाहिए। इसलिए कि जहाँ इस लखनऊ में 14 मासूमीन की ज़ियारत गाहें हैं और जहाँ हर मासूमीन के लिए मदह होती है, वहाँ बुज़ुर्ग ख़ानदान रिसालत हज़रत अबू तालिब के लिए भी एक शान शान जश्न होना चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि आइंदा साल और बेहतर तौर पे ये जश्न हो। आइए हज़रत एक एक मतलब और एक शेर में पेश करके अगले शायर को आवाज़ दूंगा। तेरी मदह है मुश्किल मरहला अबू तालिब, तेरी मदह है मुश्किल मरहला अबू तालिब, मेरी फिक्र को देना हौसला अबू तालिब, मेरी फिक्र को देना हौसला अबू तालिब, दोनों नाम लेते ही मुश्किलों की शामत है। अरे दोनों नाम लेने ही लेते ही मुश्किलों की शामत है, चाहे या अली कहिए चाहे या अबू तालिब, दोनों नाम लेते ही मुश्किलों की शामत है, चाहे या अली कहिए चाहे या अबू तालिब, चाहे या अली कहिए चाहे या अबू तालिब। और अगर आप देखिए ये लखनऊ है, मेहमानों का उसी तरीके से एहतराम करती है। अगर मैं शहजादा गुलेज के बाद में किसी मेहमान शायर को आवाज़ दूंगा तो जाहिर सी बात उसे शिकवा हो जाएगा, और लखनऊ में शिकवे दूर किए जाते हैं, गिले दूर किए जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि देखिए ये मैं इसलिए साफ़ कह रहा हूँ कि आप लोग कभी मुझसे शिकवा तो नहीं करते, मगर गिला ज़रूर कर सकते थे कि आपने वादा किया था गुलेज साहब को पढ़ाने का, तो वो आप गिला भी ना करेंगे। देखिए मैं इस वक्त अपने मेहमान शायर जनाब सफदर बिलगरामी साहब, और बिलगराम वालों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है लखनऊ के तहजीब और अदब को बताने में। गालिब के भी शागिर्द जो थे वो बिलगराम से, जब गए मुंशी नवल किशोर ने उनको अपने यहाँ उनका दीवान छापा है। औलाद आइए मैं इस हवाले से बात करूँ, औलाद हैदर फौक बिलगरामी ने 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की जितनी जख्मी सीरत की किताबें लिखी हैं आज तक उसका जवाब नहीं है। तो बिलगराम जो है वो अपनी हस्तियों के हवाले से लखनऊ जैसी बस्ती से जुड़ जाता है। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सफदर बिलगरामी साहब से वो तशरीफ लिया। आपकी मोहब्बत से शामिल हाल रहीं तो कुछ और पढ़ने का मौका मिलेगा। न दौलत न शोहरत नजर चाहते हैं, दौलत न शोहरत नजर चाहते हैं, न दौलत न शोहरत नजर चाहते हैं, करम की फकत एक नजर चाहते हैं, करम की फकत एक नजर चाहते हैं, करम की फकत एक नजर चाहते हैं, न अंजुम न शमसो अमर चाहते हैं, न अंजुम न शमसो कमर चाहते हैं, तुम्हारी इनायत मगर चाहते हैं, तुम्हारी इनायत मगर चाहते हैं, न जन्नत की ख्वाहिश न कौसर की चाहत मनुष्य के, न जन्नत की ख्वाहिश न कौसर की चाहत, सुए करबला हम सफर चाहते कर बला, हमारी तो जन्नत यही कर बला है, हमारी तो जन्नत यही कर बला है, झुकाने
کو سر تیرا در چاہتے ہیں جھکانے کو نہ جنت کی خواہش نہ کوثر کی چاہت نہ جنت کی خواہش نہ کوثر کی چاہت سوئے کربلا ہم سفر چاہتے ہیں ہماری تو جنت یہی کربلا ہے جھکانے کو سر تیرا در چاہتے ہیں جھکانے کو سر اور جو کافر انہیں کہتے آئے ہیں اب تک تو جو کافر انہیں کہتے آئے ہیں اب تک جہنم میں اپنا وہ گھر چاہتے ہیں جہنم میں اپنا وہ گھر چاہتے ہیں جو کافی تمہیں کہتے آئے ہیں اب تک جہنم میں اپنا وہ گھر چاہتے ہیں پلی جس کی آغوش میں ہے امامت مرس میں کہ پلی جس کی آغوش میں ہے امامت اسی در پہ ہم اپنا سر چاہتے ہیں اسی در پہ ہم پلی جس کی آغوش میں ہے امامت اسی در پہ ہم اپنا سر چاہتے ہیں یہ بھی شرم رکھنا ہے نظر بیٹھ رہے کہ تیرے نام پر جو لٹاتے ہیں دولت تیرے نام پر جو لٹاتے ہیں دولت تیرے نام پر جو لٹاتے ہیں دولت نہیں اس کا کوئی ثمر چاہتے ہیں نہیں اس کا کوئی ثمر چاہتے ہیں نہیں اس کا کوئی اور یہ رشتے کہ پھلے پھولے یہ قوم اپنی ہمیشہ جو تیرے نام پہ درد اٹھاتے ہیں مجھے سمجھ میں کہ پھلے پھولے یہ قوم اپنی ہمیشہ دعا میں بس اتنا اثر چاہتے ہیں دعا میں بس اتنا پھلے پھولے یہ قوم اپنی ہمیشہ دعا میں بس اتنا اثر چاہتے ہیں دعا میں بھی کسی غیر کے در پر کیوں جائے سفر کسی غیر کے در پہ کیوں جائے سفر جو اپنا ہے بس وہی در چاہتے ہیں جو اپنا ہے بس وہی در چاہتے ہیں کرم کی فقط ایک نظر چاہتے